इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट को AliExpress से फैच कर सकते हो और उनको एडिट वगैरह कर सकते हो, जो भी आप सेलिंग वगैरह की चीज़ें वो चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ड्रॉप शिपिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग में क्लिक करने के बाद आपको ऐड AliExpress प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। उनको क्लिक करने के बाद आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे AliExpress के प्रोडक्ट का लिंक लगाना पड़ेगा। उसके लिए जस्ट मैं AliExpress की साइट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे से जो भी आपका AliExpress का प्रोडक्ट होगा उसको जैसे आप कॉपी कर लोगे यहाँ से, और जो आपकी साइट होगी वहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो जब भी आप प्रोडक्ट AliExpress से पैच करोगे तो यहाँ पे आपको शिपिंग डेस्टिनेशन दिखेगा, मतलब ये प्रोडक्ट यहाँ यहाँ डिलीवर हो सकता है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, पूरा प्रोडक्ट पेज बना सकते हो एक अच्छा खासा। उसके बाद वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको किस भी प्राइस चेंज करना है, कोई नया प्राइस सेट करना है तो यहाँ से सेट में न्यू प्राइस कर लेता हूँ। सभी का अप्लाई कर दिया तो न्यू पेज यहाँ सेलेक्ट हो सकता है। उसके बाद इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस वहाँ से AliExpress से फैच कर लेगा, तो वो चीज़ आ जाएगा यहाँ पे से आपको। उसके बाद जैसे आपको इम्पोर्ट टू स्टोर पे क्लिक करना है, इम्पोर्ट पे जब आपका इम्पोर्ट प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो जाएगा उसके बाद जैसे आपको दोबारा से ड्रॉप शिपिंग के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट देखोगे तो अभी इनएक्टिव रहेगा, तो आपको उसको सबसे पहले एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए आपको जो भी प्रोडक्ट है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अभी अगर आप देखोगे इसका लिंक नहीं बनाया है, तो सबसे पहले आपको उसका लिंक को ऐड करना है। लिंक बनाने के लिए मैं जस्ट ऐड लिंक क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो मेरा डोमेन है वही आएगा और जो भी इस प्रोडक्ट का मैं लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ। अप्लाई करने के जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये आपका एक तरीके से प्रोडक्ट पेज रेडी हो गया है, पर आपको अभी भी इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अगर आप अभी अपना प्रोडक्ट पेज देखोगे तो जैसे आपको सिंपल दिखेगा अभी, कुछ मतलब इसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो आपको ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट पेज को बहुत ही अच्छा बनाना है। जैसे आप यहाँ पे से ये चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे आप जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, जो रिव्यूज़ वगैरह होंगे प्रोडक्ट रिव्यूज़ वो ऑटोमेटिकली AliExpress से फैच हो जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी देखेंगे वो भी आ जाएगा। तो वो चीज़ें आप यहाँ से, अगर प्रोडक्ट स्टेटस एक्टिव अभी एक्टिव हो चुका है, रेटिंग अगर मेरे को रेटिंग ऑन करना है तो ये ऑन कर सकता, अगर ऑफ करना है ऑफ कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते दोनों। उसके बाद आपको किसी भी स्टोर फ्रंट में ऐड करना है तो इस प्रोडक्ट को जिस भी स्टोर फ्रंट में ऐड करना है तो वो चीज़ यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। सेल्फ कैटेगरी टैग्स में अगर किसी भी कैटेगरी टैग में डालना है तो वो टैग डाल सकते हो, जो मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पे कैटेगरी टैग्स में स्टोर फ्रंट में डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको फेसबुक पिक्सल लगाना है पर्टिकुलर इस ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ लगा सकते हो, टिकटॉक यहाँ लगा सकते हो ये चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, टाइटल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप पूरा नया मेंशन कर सकते हो, जो प्रोडक्ट पेज आपका पूरा बनता है वो डिस्क्रिप्शन से बनता है। अगर आप कुछ इमेजेस लगानी है तो आप यहाँ से उठा के AliExpress से डायरेक्टली कुछ इमेजेस को जस्ट आपको कंट्रोल सी करना है और जस्ट यहाँ पे से आप कंट्रोल वी कर सकते हो, जस्ट पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल बाय जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करना है आपको। अगर आपको किसी का भी प्रोडक्ट पेज को कॉपी करना है जस्ट पूरा सिलेक्ट करिए और कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल वी, आपका पूरा नया प्रोडक्ट पेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट पेज बना सकते हो एक अच्छा खासा। उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड करनी है, जो ये आपको इमेजेस दिख रही है यहाँ पे, आपको ये वाली इमेजेस है, तो अगर आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड करनी है तो आप यहाँ से वो इमेजेस ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे से अगर आपको पर्टिकुलर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ये वेरिएंट है इनकी बाय डिफ़ॉल्ट इमेज चेंज करनी है तो यहाँ से आप इनकी डिफ़ॉल्ट इमेज को चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर पर्टिकुलर प्राइस चेंज करना है कुछ चीज़ें वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्लैश प्राइस
अगर आपको स्लैश प्राइस चेंज करना है तो ऐड वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो आप, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका स्लैश प्राइस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे से आप सेव चेंजेस करोगे, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आपका स्लैश प्राइस यहाँ पे से पूरा चेंज हो गया, 64 आ गया है नहीं। तो जैसे मैंने स्लैश प्राइस चेंज करा यहाँ 64 रख दिया, तो वो आप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कॉम्बोज क्रिएट करने हैं, मतलब लेट सपोज कि आपको जैसे ये दो अलग अलग वेरिएंट है पर इन दोनों को आपको एक जैसा कॉम्बो बनाना है, तो यहाँ से आप क्रिएट कॉम्बो कर सकते हो, आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, इसका प्लस इसका कॉम्बो कर रहा हूँ मैं, तो इन दोनों कॉम्बो बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे से क्रिएट करो, तो वो कॉम्बो आपका क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे बाकी और चीज़ें जैसे अगर अभी आप प्रोडक्ट पेज को देखोगे यहाँ से, तो जैसे आपका यहाँ पे अभी इस तरीके से कॉम्बो वाला बना है अभी आपका प्रोडक्ट पेज, इसमें अगर आपको और चीज़ें ऐड करनी तो यहाँ पे डिटेल्स में जाके आप सारी अपसेलिंग की चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्टोर फ्रंट यहाँ से कैटेगरी टैग कन्वर्जन अगर आपको लगाना है किसी चीज़ का, अगर वेरियंट्स में बाय पेज में अगर थंबनेल की जगह आप टेक्स्ट चाहते हो यहाँ पे, जैसे आप आपको थंबनेल दिख रहा था अगर आप टेक्स्ट चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करके टेक्स्ट हो जाएगा। फ्रिक्वेंटली बाय टुगेदर में आप फ्रिक्वेंटली बाय टुगेदर आइटम्स ऐड कर सकते हो यहाँ से, बंडल सेव में आप यहाँ से बंडल सेव के लिए आइटम और ऐड कर सकते हो, उसके बाद प्रोडक्ट रिलेटेड में यहाँ से आप मतलब बहुत सारी अपसेलिंग की चीज़ें सारी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको क्वालिटी डिस्काउंट लगाना है कि अगर एक बाय करता है दो बाय करता है, तो सारी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मतलब अपसेलिंग के लिए, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से अपसेलिंग कर सकते हो। उसका जैसे आपको सेव चेंजेस करना है और आपको बैक पे क्लिक करना, और जब आप लिंक पे क्लिक करोगे बायर पेज को देखोगे तो आपकी वो सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी होगी। ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो हमने सारी चीज़ें करा है बाय फ्रिक्वेंटली टुगेदर, ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने बायर पेज को अच्छा खासा बायर पेज बना सकते हो। तो इस तरीके से बाद में अगर आपको एनालिटिक्स करना है देखना है, तो आप जस्ट एनालिटिक्स में जाके जो भी आपकी सेल वगैरह जनरेट होती है यहाँ पे एनालिटिक्स में आप वो चीज़ें ड्रॉप शिपिंग पेज में पूरा देख सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ और चीज़ें जैसे कि लेट्स सपोज आपको फ्यूचर में कुछ और चीज़ें एडिट करनी है और आप चाहते हो कि मैं उसी प्रोडक्ट के अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट पेज में कैसे जाऊँ, तो जैसे आपको लिंक प्रोडक्ट पे क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली उसी जो अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में आप लैंड कर लोगे। तो इस तरीके से आपका ड्रॉप शिपिंग का जो बार है वो भी एंड हो जाता है। उस तरीके से आप पूरा ड्रॉप शिपिंग के लिए मतलब जो ड्रॉप शिपिंग के लिए मेन है आपका, आपको अपना डिस्क्रिप्शन अच्छा खासा करना है, प्रोडक्ट पेज अच्छा करना है, तो ऐसा आपका ड्रॉप शिपिंग कंप्लीट हो जाता है।